अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलिए तो नूरानी गोट फार्म पर हूँ सूरत में। नाजिम भाई है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजिम भाई। वालेकुम सलाम नाजिम भाई। सेकंड वीडियो जी। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं गुजरी जी। माशाल्लाह ये हम लोग की फेवरेट ब्रीड रहती है नाजिम भाई। आई लाइक गुजरी जी। मल्टीपल कलर्स वाले बकरे और इनकी जो बनावट आती है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। नाजिम भाई कितने बकरे रहेंगे अवेलेबल गुजरी में इस वीडियो में? फिलहाल 18-20 बकरे हैं। 18-20 बकरे हैं गुजरी की में। तो काफी लॉट है नाजी पे, अंदर में काफी सारे बिक चुके हैं। बहुत सारे बिके हुए भी है और कुछ अलग कॉलेज अजमेरा सिरोही में, वो अलग लॉट में इंशाल्लाह बताएंगे। वो अलग लॉट में बताएंगे इंशाल्लाह। ओके 18 जैसे बकरे हैं गुजरी में। अच्छा। जो गुजरी के शौकीन है मैं तो बोलूंगा कि आइए देखिए। वरना सबसे पहले वो वाला से एक बकरा है, ये वाला उसको पकड़िए। बताए नाजी भाई क्या डिटेल्स होगी? ये होगा करीब 75 किलो है ना, 75 से 80 होगा, मुझे याद नहीं इसका वजन, लेकिन अंदाज बता रहा हूँ मैं, 2-5 किलो कम ही बता रहा हूँ। 75 से 80 होगा। भी हमें तो वेट पर वजन करके कांटे पर देना, जो भी आएगा कांटे पर ही उसका वजन होगा। ओके नाजिम भाई इसमें तकरीबन क्या वजन के रहेंगे ये लॉट में? इसमें तुम्हारे ज्यादातर 65-70 और कुछ बकरे थोड़े हल्के है, 55 के भी है इसमें। ओके नाजिम भाई कितने दांतों पर है ये सब? 2 दांत और 4 दांत, 6 दांत इसमें कोई नहीं होगा, ज्यादातर 2 दांत। अभी इसने 2 बल्कि 2 भी नहीं, एक ही निकाला है दांत, अभी जस्ट निकाले रिसेंट। बल्कि 4 दांत के साथ कोई नहीं होगा सुफियान भाई, सब 2 दांत के ही है। अच्छा कलर पैटर्न में है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बकरे हैं, सारे के सारे गुजरी में है। नाजिम भाई क्या रेट रहेगा इनका? ये देखो 650 रूपए इसका रेट है। 575 जी। नाजिम भाई गुजरी है कलर में, इसमें कलर थोड़ा रेट में करिएगा, मान सम्मान इसमें कुछ करेंगे इंशाल्लाह। चलिए 575 में गुजरी है। देखिए एक चीज है, मैं एज अ कस्टमर के नाजिम भाई लिए वीडियो शूट करता हूँ तो ये बोलना मेरी जिम्मेदारी, लेकिन मैं एक चीज ये भी बताता हूँ नाजिम भाई कि आपकी क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं कस्टमर को बिल्कुल बोलूंगा कि आप क्वालिटी के लिए बिल्कुल निश्चित रहिएगा। सुफियान भाई कोई भी बकरा आज आया हुआ नहीं है, यही पे पला बड़ा हुआ है, पला बड़ा हुआ है, और जो आए भी है वो रमजान से 1 महीने पहले आए हुए। Okay. यानी रमजान के पहले का 1 महीना और रमजान का 1 महीना, 2 महीने फिलहाल हो गए, जो लास्ट में लास्ट लौट आया वो, और अभी 2 महीने मेरे पास और है तैयार करने के लिए माशाल्लाह। ये यानी कम से कम 4 महीने मेरे पास बकरा रहेगा जो लास्ट में आया वो भी। ओके नाजिम भाई इसको लेट पंच किया हुआ है? जी लेट पंच किया हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छा माशाल्लाह। ये भी 2 ही दांत होगा, 4 दांत क्या माशाल्लाह। हाँ 4 दांत क्या, किसी को पलटी भी, ये भी है मेरे हिसाब से 75 से 80 kg, 75 से 80 किलो पर है माशाल्लाह। देखो अभी इसको, ये 2 बकरे छोटे हैं, इसको मैंने पंच कभी किया नहीं हो, इसको नहीं किया अभी, मक्का चिना। ये अभी अंडू में है? हाँ अंडू है, इसको पंच अभी नहीं क्योंकि छोटा है। ओके। और एक ये, इसको भी पंच किया नहीं हो, अभी तक नहीं किया हूँ माशाल्लाह। ये बहुत खूबसूरत कलर में, ये अदंत में है मुताबिक? दोनों अदंत हो गए, मैं देख लेता हूँ, देखो अदंत है, अभी अदंत है, दोनों बकरे अदंत है। ये बहुत खूबसूरत चीज नाजिम भाई, ये क्या रेट में देंगे? अब देखो 650 है, कुछ मान सम्मान करके दे देंगे इंशाल्लाह। ओके क्योंकि जनरली नाजिम भाई ये मैं चाहता हूँ कि ये कोई ये खूबसूरती वाली चीज है, इससे वजन से कोई लेनदेन नहीं होता इसका। बिल्कुल नाजिम भाई अल्मीम का पलाई का जो कस्टमर रहते हैं ना हमारे आंडू वाले जी, मैं चाहता हूँ कि ये कोई ले, बहुत खूबसूरत बकरा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनेगा भी, बहुत अच्छा इसकी पैटर्न वगैरह बहुत जबरदस्त, गला पट्टी वगैरह बहुत अच्छी है माशाल्लाह। 60 kg अदंत में है माशाल्लाह। 56 है, 56 किलो वजन किया है, 60 किलो, 60 या 56 ऐसा कुछ किया याद नहीं है पक्का, लेकिन माशाल्लाह बनेगा बहुत अच्छा, गोल होगा बहुत बहुत जबरदस्त, फैलेगा ज्यादा। ओके 575 में है, थोड़ा नेगोशिएट करेंगे नाजिम भाई। नाजिम भाई इनका बुकिंग करने के लिए भी 10,000 जी बिल्कुल, कोई भी बकरा ले रहे हो आप, हाँ। आपको 10,000 रूपए देना है और आपका बकरा बुक कर लेंगे। ये वाला आप पकड़े, पहले कालो भी पकड़े, हाँ ये कालो भी पकड़े आगे। नाजिम भाई कब तक रखेंगे हम यहाँ पर लेके जाने के लिए डिलीवरी? खुतबे के बाद ले जाओ इंशाल्लाह तो भी चलेगा। ये देखो ये बकरा 2 रात कर रहा है, ये खसी में है ना? हाँ ये सब खसी, अंडू खाली 2 ही है जिसको छोटे पंच नहीं किया है माशाल्लाह। ये भी बहुत जबरदस्त, कलर पैटर्न देखो आप, पकड़ेंगे आप 2 दांत, ये भी 2 दांत, ये भी होगा 70 kg, 65 से 70 होगा इंशाल्लाह। सिलेक्टेड बकरे चुन चुन कर निकाले, इसीलिए तो मैं रेट मांग रहा हूँ ना, जब एक एक नंग आप कहीं से ढूंढ के लाते हो तो जाहिर बात है आगे वाला भी आपसे रेट मांगेगा। बिल्कुल, और हम भी आगे रेट मांगेंगे। बिल्कुल 575 पर है। इस टाइप के मेरे पास और बकरे हैं, अभी और आगे वाले वीडियो में दिखाएंगे इंशाल्लाह, 525 के रेट में,
525। हाँ ओके, तो लोग फिर क्यों ये ले, वो क्यों ना खरीदे? भले ले ले कुर्बानी के लिए। ये चीज देखो, खूबसूरती एक अलग चीज होती है, शौक एक अलग चीज होती है, शौक का कोई मोल नहीं है, शौक का कोई मोल नहीं जी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या सुफियान भाई, अगर 525 में से भी आप निकाल लो कोई मसला नहीं, वैसे बकरे मिलेगा इंशाल्लाह, थोड़ी कलर पैटर्न में थोड़ा आगे पीछे होगा 19-20, लेकिन उसमें भी चिकने और साफ सुथरे अच्छी फ्रेम के बकरे माशाल्लाह, अभी वो वीडियो भी दिखाएगी इंशाल्लाह। नजमे लास्ट ईयर कुछ हमने मोजिटो बकरे भी शूट किए थे जी, लाए थे। देखो फिलहाल मेरे पास में आए नहीं है, लेकिन आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे। 120 नंग मैंने रखे है, जिसके अंदर से कुछ 40 नंग या 50 नंग उसके अंदर वो भी है। ओके हाँ, तो मोजिटो भी गुजरी और अजमेरा मेरे पास में 120 नंग मेरे खड़े हैं एक जगह के ऊपर, वहाँ से आएगा, उसमें 40 नंग है उसके अंदर वो भी। ओके नाजिम भाई, एक बात पूछूंगा आपको, क्या आप कस्टमर को क्या रिकमेंड करोगे, ये लॉट में से लेना बेहतर या फिर जो आएगा उसको? देखो इसमें ऐसा है, मालिक आप ही है दोनों के जी जी, लेकिन फिर भी आप क्या सजेस्ट करोगे? मैं ऐसा बोलूंगा कि इसमें से ले तो बेस्ट रहेगा, उसकी वजह है कि ये मेरे पास पिछले 4-6 महीने से 8 महीने से खड़ा माल है, लास्ट में लास्ट आया वो भी कम से कम 2-2.5 महीने हो गए, 2 महीने और खड़ा रहेगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ सेट है, जो बाहर से आएगा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सेट माल है और वैक्सीनेटेड माल है, जंगल का लिया हुआ नहीं है, फार्म का लिया हुआ माल है, वहीं पे मैं जंगल से जल्दी माल खरीदता नहीं। ओके ठीक है। हाँ एक चीज मैं कस्टमर को क्लियर कर दूं, इस बार मैंने एक चीज तय की है, मेरा सेटिंग भी चालू है, कोशिश भी चालू है। पिछली मरतबा लोगों ने कम रेट के बकरे मेरे पास मांगे थे, नाजिम भाई कुछ ऐसा करो कि कम रेट के बकरे भी हमको हम तक पहुंच जावे। यानी अगर हम 4 बकरे बड़े ले रहे तो हमको 4-5 बकरे ऐसे भी दो छोटे जो उसके अंदर हमारे बजट में सेट हो जावे, तो मैंने इस बार उसका भी सेटिंग में कर रहा हूँ, हुआ भी है अल्लाह ने चाहा तो लास्ट के महीने वो माल भी आएगा, जंगल का माल जो रेट में हो सकता है मैं आपको बता नहीं रहा हूँ 450 में आएगा, लेकिन 450 में ला के दूंगा अल्लाह ने चाहा, लेकिन उसका वैक्सीन नहीं होगा, मैं आपको साफ बता, उसका वैक्सीन नहीं होगा, उसकी टर्म्स कंडीशन अलग रहेगी। आप आइए वजन करिए, बकरे का पैसा दीजिए एक हाथ में और एक हाथ में बकरे की डोरी पकड़िए और बकरे को लेके चलिए, उसमें कोई मोर्टालिटी का कोई मोर्टालिटी नहीं, रखने का भी सिस्टम नहीं रखने है। आप आए, आपको बकरा पसंद पड़ा, पैसा दो बकरा लेके जाओ। ओके जी, उसमें कम रेट में माल आएगा इंशाल्लाह। वो कब तक आएगा? अल्लाह ने चाहे तो लास्ट के महीने में आएगा इंशाल्लाह। हाँ लेकिन वो वैक्सीनेटेड नहीं आएगा, जंगल से आएगा, उसका टर्म्स कंडीशन रखने का नहीं रहेगा। आओ बकरा पसंद करो, पैसा दो, हाथ लेके निकलो। Okay. क्योंकि वो इसलिए सुफियान भाई कि जैसे मेरे पास 100 बकरे की जगह मैंने सेट की है। ठीक है, अब एक गाड़ी में 100 बकरे आए, अब अगर मैं उसको बुकिंग ले लूंगा और बकरा इत तक अगर वही बकरे मेरे पास रहेंगे तो मैं दूसरों को दूसरे बकरे लाके दे नहीं पाऊंगा। अगर वो बकरे आए, बिक गए, चले गए तो दूसरे 100 बकरे वापस 8 दिन के बाद आ सकते हैं, तो दूसरों को भी फायदा हो सकता है वो कम रेट वालों का। ओके चलिए ठीक है, तो ये माशाल्लाह बहुत डिटेल्स में सारी बातें हमने बता दी है। वैसे नाजिम भाई, लोग मेरे को बोलते हैं कि आप सवाल को ज्यादा करते हो, अच्छा है, कैसा लगता मेरे है? मुझे अच्छा लगता है कि आप जितना क्लियर करो उतना बेस्ट है ना, ट्रांसपेरेंसी पीछे से हमको उनको जवाब देने का रहता नहीं है ना। बिल्कुल ओके चलिए ठीक है नाजिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सेकंड वीडियो भी देख लिया आप लोगों ने, और जिसको भी चाहिए नूरानी गोट फार्म पर आइए, नंबर जो है मैं स्क्रीन पर लगा हूँ, नाजिम भाई से कांटेक्ट करके आइएगा ताकि आपको यहाँ पर नाजिम भाई अवेलेबल मिले ना। शाम को 4 बजे बाद से लेकर 8 बजे तक 9 बजे तक तो हम अवेलेबल है, और लास्ट के 20-25 दिन इंशाल्लाह सुबह 11 बजे से रात के 10-11 बजे तक, और लास्ट के 10 दिन तो हम 12-1 बजे तक रुकते हैं। लास्ट के 10 दिन नाजिम भाई, हमारा इंस्टाग्राम में कोई पेज है? नहीं फिलहाल तो कुछ नहीं बनाया मैंने, मैं बहुत कम मोबाइल कम यूज करता हूँ। ओके चलिए, आपको नूरानी गोट फार्म देखना है तो आपको अलमीम पे बने रहना है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।